यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज आपने एक लेटर लिखा, इसमें क्या लिखा है और जिस तरह के नेता एक दूसरे पर दूसरे नेताओं को अभद्र टिप्पणियां करके जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको किस तरह का? आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सार्वजनिक रूप से पूर्व मंत्री इमरती देवी के ऊपर जो अश्लील टिप्पणी की है उससे न केवल देश की महिलाएं आहत हैं बल्कि देश के 30 करोड़ दलित खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। एक पूर्व मंत्री को आइटम कहना यह कांग्रेस की संस्कृति और उनकी सोच, खासकर से कमलनाथ जी की घटिया सोच को प्रदर्शित करता है। मैंने आज कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को पत्र लिखा है कि कभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि कांग्रेस जलता हुआ घर है जो न जाने कितने आशियाने जलाएगा। आज उनकी सोच स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने जो ये अश्लील टिप्पणी की है, वास्तव में यह कांग्रेस का इतिहास रहा है। दिग्विजय सिंह ने भी इस प्रकार की एक विभत्स टिप्पणी की थी महिलाओं के प्रति। श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा था कि जब बीबी पुरानी हो जाती है तो मजा नहीं देती है। कमलनाथ की बहन का मैं सम्मान करता हूं, उनकी मां का सम्मान करता हूं, लेकिन वे खुद को अपने सामने रख करके सोचें कि यदि उनकी बहन के प्रति इस प्रकार की टिप्पणी होती तो वे क्या सोचते। आज पूरे देश का दलित मर्माहत है और सोनिया गांधी से यह मांग करता है कि ये कांग्रेस के जो लंपट लीडर हैं उनको अपनी पार्टी से बाहर करें और खुद सोनिया गांधी को दलितों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी के लिए माफी मांगना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में देश के दलित संगठन कांग्रेस उन्मूलन अभियान चलाएंगे।